हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ओके में। एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और कैसे आपने आवेदन करना है और स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो जानकारी है वो इस वीडियो में आपको बताएंगे, और कौन कौन सी स्कॉलरशिप हैं एमपी में उनके बारे में इस वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे। तो दोस्तों, एमपी में जो स्कॉलरशिप मिलती हैं, एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल एक ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है, और इसमें आपको अलग अलग छात्रवृत्ति जो मिलती हैं एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल में। और इस तरह से आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण जो छात्रवृत्तियाँ हैं, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना MMVY मध्य प्रदेश योजना इसको बोलते हैं, और इस जो छात्रवृत्ति है इसको जो देता है तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग मध्य प्रदेश सरकार इसको देती है। आवेदन की जो अवधि होती है साल भर ये चलता रहता है, साल भर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो योजना है छात्रवृत्ति की, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, यह है इसे भी तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग मध्य प्रदेश सरकार देती है, ये भी साल भर चलता है। OBC छात्र मध्य प्रदेश के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार इसको देती है, ये भी साल भर चलता है। SC छात्रों मध्य प्रदेश के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, ये भी मध्य प्रदेश सरकार देती है और ये भी साल भर चलते हैं। इसी तरह से इसमें काफ़ी सारी जो हैं योजनाएं हैं और हैं, गाँव की बेटी योजना मध्य प्रदेश, ST योजना जो है ये छात्रवृत्ति मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, ये भी साल भर चलती है। और इसमें से दोस्तों जो हैं तीन योजनाएं हैं ये साल भर नहीं चलती हैं, इनके बारे में आगे बताएंगे आपको। और कैसे आपको आवेदन करना है छात्रवृत्ति के लिए, आपको जो है वेबसाइट पर जाना है, MP जो छात्रवृत्ति पोर्टल है, और इसमें आपको जाना है, आपको वेबसाइट पे ले चलते हैं। ये आप देख सकते हैं जो स्कॉलरशिप पोर्टल .mp.nic.in ये पोर्टल है, इसमें आपको जो है विद्यार्थी सुविधा पोर्टल जो है इसमें है, और मध्य प्रदेश पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। और आपको आप देख सकते हैं इसमें स्टूडेंट के लिए ये है अलग से रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करने के लिए, और ऑनलाइन स्कीम जो इस पोर्टल में अवेलेबल हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उनकी पूरी डिटेल इसमें है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना शिक्षा प्रोत्साहन के लिए है, और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम भी इसमें है OBC स्टूडेंट के लिए, और जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है SC स्टूडेंट के लिए, ST के लिए अलग अलग, इसमें तीनों अलग अलग दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना भी इसमें है, ये अलग इसका लिंक है। इसी तरह आप देख सकते हैं अलग अलग योजनाएं इसमें दी गई हैं, गांव की बेटी योजना इसमें दी गई है, और प्रतिभा किरण स्कॉलरशिप योजना भी इसमें है। इस तरह से आपको अप्लाई करने के लिए कोई सी भी जिस योजना के लिए आपने अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आप देख सकते हैं एक योजना पे हमने क्लिक कर लिया है उसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं, और आपको अप्लाई करने के लिए ये देख सकते हैं, अप्लाई करने के लिए आपको इस तरह से पंजीकरण करना है। पंजीकरण करने के बाद जो आपकी डिटेल है वो आपसे ली जाएगी, और यहीं से आपने लॉगिन कर देना है, और इस तरह से आप किसी भी योजना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो योजना के लिए आप अप्लाई करेंगे आपको उसको खोल लेना है, और इसी तरह आपको पंजीकरण करना है और लॉगिन उसमें करना है। उसके बाद जब आप लॉगिन कर देते हैं तो जो आपने अप्लाई किया है जिस योजना के लिए उसका स्टेटस आप यहाँ से भी देख सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं पंजीकरण की जो जानकारी है वो यहाँ नीचे भी दी गई है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप MP में जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह की जानकारी के लिए दोस्तों, स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो जानकारियां हैं उससे रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।